नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मित्रों, आज हम देखेंगे डे टू के क्वेश्चंस। इसके सॉल्यूशन सभी के आपको जल्द ही वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आज शाम तक या कल सुबह तक। इस पे सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग हो गई है, और जो भी पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे। इनके सारे आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आइए देखते हैं, दूसरे दिन मई 2 मई का ये टेस्ट है, जिसको आप लोग लिखिए, लिख के ग्रुप में शेयर करिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। जो लोग पेड मेंबर हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि लिख के जरूर भेजें, और उनको कंटेंट भी मिल गया है तो लिखना शुरू कर दें। डेली 5 क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, अचानक से एग्जाम में जाकर के आप प्रश्नों को नहीं लिख पाएंगे। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, जितना भी अभ्यास कर लीजिए, सिर्फ लिखने का अभ्यास करिए। अब मेरे अनुसार हम लोगों का जो प्रोग्राम है उसके अनुसार ही चलेंगे तो बहुत सारा, लगभग 200 क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे। वो बहुत बड़ी बात होती है कि 200 क्वेश्चन अपने मन से लिखना। तो प्रश्नों को पहले देख लीजिए, जिनको कंटेंट मिल गया है वो उससे पढ़ के, और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसी भी पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। बुक लिस्ट कई लोग पूछ रहे थे, तो बुक लिस्ट का भी हम एक वीडियो बना देंगे। जो मुख्य परीक्षा में जो लोग तो 18 वाले दे रहे हैं उनके लिए तो सबको सब कुछ पता ही होगा। जो लोग नए हैं 2019 के लिए, वो लोग भी बुक लिस्ट ले लें। पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं वो खरीद लें, एनसीईआरटी ले लें, और कहाँ कहाँ से कंटेंट पढ़ना है वो धीरे धीरे पढ़ते रहें। आइए देखते हैं, ये पूरा प्रोग्राम हमारा निःशुल्क रहेगा, और जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाएं। और ज़्यादा समस्या हो रही है तो ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दें, टेलीग्राम कर दें तो, और ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जिनको भी जुड़ने में समस्या हो रही है, इस पर टेलीग्राम चैनल लिख के भेज दें, UPPCS मेंस 2018, उनको हम ऐड कर देंगे। भारतीय संदर्भ में सुशासन क्या है, व्याख्या करें। तो भारतीय संदर्भ में सुशासन देखेंगे, प्राचीन काल से कैसे गुड गवर्नेंस कैसे चलता आ रहा है, और वर्तमान समय में आजादी के बाद क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उनको ऐसे फॉर्म में लिखना है। इस पे हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जल्दी आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। ई गवर्नेंस क्या है, इसकी अनुप्रयोज्यता क्या को समझाइए, इसका एप्लीकेशन क्या है उसको समझाइए। तो ई गवर्नेंस से 100% है कि इस बार प्रश्न आना ही आना है। ई गवर्नेंस के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है, इसको हमने बहुत ही बखूबी आपको बताया है, और पीडीएफ में भी हमारे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है ई गवर्नेंस के क्या क्या आस्पेक्ट होते हैं। 6 से 7 आस्पेक्ट जो मेन है, रूल ऑफ लॉ है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, आपको अनुप्रयोज्यता उसकी होती है, जो एप्लीकेशन उसका कहाँ कहाँ किया जा सकता है, प्रशासन में किया जा सकता है तो प्रशासन में क्या क्या वो दर्शाता है, जैसे कि पारदर्शिता है, आप देखेंगे अकाउंटेबिलिटी है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग ये कार्यक्रम जो से जुड़िए और अच्छे से फॉलो करिए। कुछ भी नहीं लिख पा रहे, कुछ तो लिखिए, कुछ भी लिखेंगे तब भी आपके लिए काफी सपोर्टिंग होगा, और 2-4 दिनों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो जो सिलेबस दिया गया है वो पढ़िए और उसको लिख के डालिए। ये डेली हम क्वेश्चन शेयर कर दिया करेंगे शाम को 6 बजे तक, और 1-2 दिन में आंसर भी आपको पूरा मिलने लगेगा। पहले वीडियोस आ जाएंगे, उसके साथ हम आंसर भी पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर करेंगे। ई गवर्नेंस के समक्ष आने वाली चुनौतियों को गिनाइए। अब ई गवर्नेंस के समक्ष चुनौतियां क्या क्या होती हैं, जैसे कि इलिटरेसी है, बहुत ज्यादा साक्षर लोग नहीं है, डिजिटल साक्षरता भी बहुत कम है, जो वेबसाइट्स गवर्नमेंट ने बनाई है वो सिर्फ इंफॉर्मेटरी है, ब्रॉडकास्टिंग के पर्पज से बनाई गई है, और भी बहुत सारे हैं ये मुद्दे। इनको हम चैलेंजेस को लिखेंगे, जो पुराने नौकरशाह हैं वो अपडेट नहीं होना चाहते हैं, उनको एजुकेट भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है सही से, तो ये सारे मुद्दे लिखने हैं आपको। नागरिक घोषणा पत्र क्या है, सिटीजन चार्टर जो है वो उसका क्या महत्व है ये बताना है हमें। सिटीजन चार्टर होता क्या है, व्हाट इज सिटीजन चार्टर एंड डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को बताएं। सिटीजन चार्टर जब भी किसी आप सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो एक बाहर बोर्ड लगा होता है, उसमें सारी बातें लिखी होती हैं कि हम कौन कौन सी सेवा प्रदाता जो संस्था है वो कौन कौन सी सेवा देती है, उसके अधिकारी कौन कौन से होते हैं,
उसमें कितने पैसे लगेंगे आपको सेवा लेने के लिए, और कितने दिन में टाइम बाउंड जो डिलीवरी सिस्टम है उसको बताया गया है। उसके लिए आपको अगर उसमें कुछ शिकायत भी करना है तो शिकायत के लिए नंबर दिया गया है, वेबसाइट अप दी हो गई होगी, और पूरी पूरी तरीके से पारदर्शिता लाने के लिए, जवाबदेहिता लाने के लिए और जन भागीदारी लाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो नागरिक घोषणा पत्र के बारे में भी हमने अच्छे से समझाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। लोक शिकायत निवारण तंत्र क्या है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है खास करके इंडिया में कैसे चलता है और कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है आपको, और इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, गुड गवर्नेंस लाने के लिए है, जो परेशान भारतीय नागरिक हैं उनकी सहायता के लिए है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से वो जुड़ सकते हैं, जो लोग 2018 मेंस देख रहे हैं उनके लिए डेली कम से कम 5 क्वेश्चन आप लिखेंगे तभी जाके कुछ भला होगा। और सभी टॉपिक पे हमने 15 टॉपिक में डिवाइड किया है, उसकी वीडियो आज ही कल आज शाम तक या कल सुबह तक हो जाएगी अपलोड। उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे। ये उनके लिए है जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में भी कंक्रीट मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा कैसे आंसर लिखना है। तो मित्रों तो ये रहेगा कार्यक्रम, और कल हम एक और वीडियो डालेंगे, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की वीडियो अब डेली 2-3-4 वीडियोस पढ़ती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।